हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो गाइस, मैंने अभी सभी मुर्गे खोल दिया है और कबूतर अभी सभी अंदर है। तो जो भी चार कबूतर पकड़ कर आया था कल, मैं उनको सबको यहीं पे ले आया हूँ खेत पे, अभी इन डब्बों में रख के। तो अभी इनके भी एक एक दो दो कलियाँ निकाल देता हूँ मैं, नहीं तो फिर ये उड़ जाएंगे। तो वैसे अभी इन सबकी कलियाँ उगा देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। मैंने अभी सभी कबूतर के दो तीन दिन पहले कलियाँ निकाल दी है, अभी देखते हैं बाहर आते कि नहीं। और पहले मैं देख लेता हूँ किसी मुर्गी ने अंडा दिया दिया रखा है ये एक मुर्गी दे रखा है किसी ने, लगता है न्यू वाली मुर्गी कर दे रही थी, मतलब वो आवाज निकाल रही थी, उसने दिया होगा। इसमें देख लेते हैं। और जो न्यू दोनों मुर्गी है ना, वो दोनों अंडे देती है। तो इस अंडे को उठा लेता हूँ पहले मैं। तो इसमें अभी अंडा उठा लिया है, तो इसको रख देता हूँ मैं। तो वैसे मैंने अभी कबूतरों को खोल दिया था, पर वो खुले बाहर नहीं आए थे। एक भी दो कबूतर आए थे, वो दाना खा के वापस अंदर आ गए थे। सब इसमें बैठे हैं डब्बे में, और मैंने डब्बे को यहाँ पे जमा दिया है, इस प्रकार जमा दिया है नीचे से ऊपर, ताकि यहाँ पे मुर्गी भी चढ़ सके और कबूतर भी आराम से रह ले, क्योंकि मुर्गी कबूतरों को मारती है। इसलिए मैंने यहाँ से सब डब्बे हटाकर और जो सुबह लाए थे दो डब्बे, उनको भी जमा दिया। ये तो अभी हम दो कबूतरों को जोड़ा लगाएंगे। अभी अभी दिखाता हूँ मैं कौन कौन से लगाते हैं। तो वैसे भी एक तो ये मादी है, ये वाली। अभी इसके पर उखाड़े थे ना, निकाले थे कम कम, मतलब एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, एक एक छेक छेक कर निकाल दिया। और ये काली अक्की कबूतर है, ये कुछ कबूतरी है ये। तो अभी इसको इसके अंदर डाल देता हूँ ये, और एक और इसको नर पकड़ता हूँ, मतलब जो जोड़ा लगाएंगे हम। अभी ये पकड़ लिया मैंने, अभी जो न्यू कबूतर है लाल वाला, उसके साथ लगा देंगे। ये नरी है, इसके तो पर इतने पहले से निकले हुए, इसलिए भागा नहीं था ये। ये कुछ कबूतर है। तो अभी इन दोनों को रोक दे, अंदर कर देता हूँ मैं एक साथ ये। तो अभी यहाँ पे मैं ईंट फिट लगा देता हूँ, ये यहाँ पे लगा दी मैंने। देखते हैं एक दो दिन को ऐसे रोक दिया करेंगे और दाना के लिए बाहर निकाल लेंगे। तो फिर देखते हैं जोड़ा लगता है कि नहीं, इसका जोड़ा लग जाएंगे इन दोनों का। उसके बाद में हम इस कबूतरी का और ये काले वाले नर का, इन दोनों का भी लगा देंगे। और अभी यहाँ पे मैं एक ईंट रखता हूँ और यहाँ पे कुछ ना कुछ रख देता हूँ, और बर्तन, मतलब जो भी मुर्गी अंडे देने के लिए मुर्गी को। तो मैं पहले ईंट ला कर रख देता हूँ यहाँ पे, मैं भी ईंट लेकर आ गया हूँ। तो इसको रख देता हूँ मैं अभी, एक ईंट को वहाँ पे, ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं सही से। और अभी एक काम करते हैं, पहले मैंने अभी तो ये जाली निकाल ली यहाँ से, हेट डिब्बे के नीचे रखी थी ये और रखी थी जो, अभी स्टफ है ये फूटा फूटा, इस स्टफ को रख देते हैं अभी, ताकि मुर्गे अंडे अंडे दे तो इसमें दे दे। और मैं भी इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, नहीं यहाँ पे भी नहीं, हाँ अभी के लिए इसको यहीं पे रख देते हैं। कोई इसमें भूसा डाल दूंगा मैं, नहीं तो ये ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है थोड़ा। तो अभी तो इसको यहीं पे रख देता हूँ, और नहीं तो ये मुर्गी चढ़ेगी इस पर। तो हम पहले इसमें थोड़ी मिट्टी डाल देता हूँ मैं, पहले पहले मिट्टी ला कर इसमें डाल देता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। और इसमें अभी यहाँ पे नीचे भी मिट्टी फैला दी है, सूखी मिट्टी थी इसलिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी पानी रखता हूँ मैं कबूतरों के लिए, मुर्गियों के लिए, तो मुर्गी उस पर चढ़कर ढोल देती है, सारा पानी फैला देती है। तो अभी यहाँ पे भी इसमें इसमें मिट्टी डाल दी है। तो अभी इसमें भूसा और डाल देता हूँ मैं लाके ऊपर से, अभी इसमें भी भूसा रख दिया है यहाँ पे, ताकि नरम जगह हो जाए, अंडे अंडे तो फूटे ना। और ये आसपास यहाँ पे मैं ईंट रख देता हूँ, और रख देता हूँ यहाँ पे मैं दो तीन ईंट, ताकि ये मतलब इस पे मुर्गी उर्गी चढ़े कोई भी तो पलटी नहीं खाए ये टप। और ये सूख नीचे सूखी मिट्टी डाल दी मैंने, वो कबूतरों को दोनों का जोड़ा रख रहा है, देखते कब तक लगता है ये। और हम फिर इनका लगा लेंगे, ये दो बाज मादी का और ये काले वाले नर का। और ये कुछ जमा दिए इधर डब्बे, देखते अब कब तक देती अंडे। ये सोच रहा था कि मैं इन दोनों का जोड़ा भी अभी लगा देता हूँ इस वाली क्रेट के अंदर, जब मुर्गियों को बंद करूंगा तब इनको बाहर निकाल दूंगा। तो इन दोनों को पकड़ लेता हूँ पहले, मैं आपको सही से दिखा देता हूँ। ये काला वाला नर है जो,
तो ये आपका कबूतर है, ये पीलिया का कबूतर है और इसके पर भी निकाल दिए थे मैंने, ये तीन चार खाली इधर की साइड के भी निकाल दी थी। और ये कुछ कबूतर है ऐसा, तो ये नर है अभी और इसकी मादी, मतलब जिससे हम जोड़ा लगाएंगे अभी उसको पकड़ता हूँ पहले मैं। ये आ गए हाथ में, ये है इसकी मादी, दो बाज मादी है, दो बाज टाइप। अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं, ये मादी है, इसके ऊपर निकाल दिया मैंने अभी। ये कुछ इसकी आँख है, सफेद आँख की कबूतरी है ये। मैं भी इन दोनों कबूतर को इसके अंदर बंद कर देता हूँ। ये गए एक और, इसको बंद कर दिया है, देखते हैं कब तक जोड़ लगाते हैं दोनों जोड़े। और यहाँ पे ईंट लगा देता हूँ मैं, अभी ये कुल लगाना पड़ेगा, तो ये लगा देता हूँ यहाँ पे। अभी ये लगा दिया यहाँ पे तो मैंने, तो आज देखते हैं कब तक जोड़ा लगता है इनका। इन दोनों को लगा दिया है और एक ये बचा है अकेला, ये भी पीली आँख का ही है, तो इसको इसका भी हम जोड़ा लगा देंगे। मतलब इसके लिए कबूतर लेके आएंगे, जब लेके आएंगे, जब ये सभी कबूतर उड़ जाएंगे, मतलब उड़ने लग जाएंगे, वापस घर के अंदर आ जाएंगे, मतलब उड़ के उसके बाद लाएंगे न्यू कबूतरी इसके लिए, क्योंकि ये नर है अभी, अभी बच्चा था ये, बड़ा हुआ है अभी, तो अभी गुटकने लगा है। तो अभी दोनों कबूतरों को जोड़ा लगा दिया, देखते हैं कब तक लगता है। ये दोनों बैठे और इसमें भी दोनों है ये, और अभी चारों पांचों मुर्गी मुर्गी है, सब बाहर चुग रहे हैं। ये हमारा न्यू वाला मुर्गा है, अभी कल सही से नहीं दिखा था, आज सही से देख लीजिए। ये कुछ मुर्गा और दोनों न्यू मुर्गी भी बाहर ही चुग रही है अभी। अभी उस दोनों को दिखाता हूँ मैं सही से। अभी हमारी ये पुरानी दोनों है, ये हमारे घर की पहले वाली, और ये दोनों मुर्गी है कुछ, एक ये काली वाली है और एक ये गोल्डन। अभी मुर्गा भी वहीं पे चल गया है, ये दोनों दूसरे घर की, और मुर्गा अलग घर का है, इसलिए दोनों एक साथ रहती है अलग अलग। अभी सब एक साथ रहने लग जाएंगे धीरे धीरे। वैसे अभी हमारा एक कबूतर कुटक रहा है, देखते कौन सा कुटक रहा है। तो वैसे अभी ये जो काला वाला कबूतर था ना, वो गुटक रहा है, जल्दी अभी गुटक रहा था वो काफी देर से, तो लगता है पहले इनका जोड़ा लगेगा, क्योंकि कबूतर फुल जोड़े पे आ रहा है। ये तो फिर भी नहीं गुटक रहा, कुछ भी नहीं कर रहे हैं दोनों, तो इधर तो ये गुटक रहा है और ये कबूतर नीचे आएगा, तो मैं इनका दरवाज़ा खोल देता हूँ, क्या पता ये बाहर आए, तो बाहर आएगा तो मैं उन दोनों को भी निकाल दूंगा, चारों को मतलब। पहले मैं पानी इनको अंदर रख देता हूँ, नहीं तो बाहर तो आए नहीं आज पूरे दिन, बस दो कबूतर आए थे फिर वापस अंदर चल गए वो। इसको पानी रख देता हूँ मैं अभी ये ऐसे, और एक यहाँ पे ईंट रख देता हूँ, क्योंकि मुर्गी जो भी यहाँ पे आएगी तो वो ढोल देगी पानी, मतलब नीचे फैला देगी। तो अभी दोनों कबूतर, चारों कबूतर ऐसे बैठे शांत, देखते कौन सा जोड़ा लगता है पहले। तो गाइस मैंने भी सभी मुर्गियों को बंद कर दिया है, और ये मुर्गा पीछे बैठा वहीं पे, और ये चारों कबूतर को जोड़ा लग रहा है इसमें, ये दो इसमें है और दोनों कबूतर और दो इसमें है। तो ये सभी जो भी गाय भैंस सबको अंदर बांध दिया है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली।